Hello, dear students. Today we are going to do the exercise of our fourth chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. Let's start the chapter. Question number one is Why did the neighbors kill the dog? The neighbors were greedy and very wicked. The neighbors were greedy and very wicked. when they came to know the डॉग searched a treasure of gold for their master they became greedy and offered him good food to eat so that he can help them to search gold जब उनको पता चला कि उस कुत्ते ने अपने मालिकों के लिए ख़जाना ढूंढ निकाला है तो वो लालची हो गए और उसको अच्छा खाना देते हैं ताकि वो कुत्ता उनकी मदद कर सके सोना ढूंढने में एज द डोक्री इश नियर द पाइन ट्री ही स्टार्टड स्क्रैच द ग्राउंड और जैसे ही कुत्ता उन दोनों लोगों के साथ पाइन ट्री के पास पहुँचता है तो वो ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू कर देता है खुर्चना शुरू कर देता है थिंकिंग ऑफ गोल्ड द ग्रीडी कपल स्टार्ट डिगिंग द ग्राउंड और वो ग्रेडी कपल जो है वो सोने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और वो ग्राउंड को खोदना शुरू कर देते हैं बट दे फाउंडर डेड किटन देयर लेकिन उनको वहाँ एक मरी हुई बिल्ली मिल, का बच्चा मिलता है दिस मेड देम वेरी एंग्री एंड दे क्रूअली किल द डॉग इससे उन दोनों को बहुत गुस्सा आया और वो बड़ी निर्दयता से उस कुत्ते को मार देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राइट आइटम मार्क करना था वो आपको करके दिया गया है यहाँ पर The old farmer and his wife loved the dog as if it was their own baby. The second sentence is When the old couple became rich, they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. Part 3 The greedy couple borrowed the mill and the mortar to make a pile of gold. Next question pe chalte hain. question number 3 is The old farmer is a kind person. वट एविडेंस ऑफ हिज काइंडस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स जो बूढ़ा किसान था वो एक दयालु व्यक्ति था आपको फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में कौन से एविडेंस हैं कौन से सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो काइंड था द ओल्ड फार्मर लव हिज पेट डॉग लाइक ए बेबी ओल्ड फार्मर अपने बच्चे को अपने कुत्ते को सॉरी बच्चे की तरह प्यार करता है द ओल्ड मैन वॉज काइंड टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स वो बुढ़ा व्यक्ति सभी लिविंग क्रिएचर्स के प्रति बहुत दयालु था एवरी डे ऑन टू हिज बर्ड्स और हर दिन जब वो किसान खेतों के लिए जाता था तो रस्ते में वो घास के और मिट्टी के ढ़ेलों को उलट देता था ताकि पक्षियों को नीचे खाने के लिए कीड़े मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू हिडन कुत्ता फार्मर को हिडन गोल्ड छिपा हुआ खजाना की तरफ कैसे लेके जाता है कैसे उसको लीड करता है द डॉग पुट हिज़ पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशन हिज हेड टू सम स्पोर्ट कुत्ता अपने मालिक के पैरों के साथ अपने पंजों को सटा लेता है और अपने सिर के साथ किसी स्पॉट की तरफ किसी निश्चित जगह की तरफ इशारा करता है इनिशियली द ओल्ड मैन थाट दैट हिज डॉग इज़ प्लेइंग विद हिम शुरू में उस ओल्ड मैन को लगता है कि उसका कुत्ता उसके साथ खेल रहा है बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड मूविंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे लेकिन वो कुत्ता कुछ देर तक ऐसे ही आवाज़ें निकालता रहा और आगे पीछे चलने लगा द ओल्ड मैन देन डग द ग्राउंड एंड फाउंड ए पाइल ऑफ लिविंग गोल्ड ग्लिमिंग मतलब चमकता हुआ और तब वो बूढ़ा आदमी खोदता है जमीन से तो उसको चमकता हुआ सोने का ढेर वहां से दिखाई देता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द स्परिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट कुत्ते की आत्मा पहले फार्मर की किस तरह से मदद करती है द डॉग केम इन द ड्रीम ऑफ द काइंड ओल्ड मैन एंड टोल्ड हिम टू कट द पॉइंट्री ओवर हिज ग्रेव एंड मेक मोटार फ्रॉम इट फॉर मेकिंग राइस पेस्ट्री एंड अल फॉर मेकिंग सॉस ओल्ड आदमी के सपने में जो काइंड ओल्ड मैन है उसके सपने में उसके कुत्ते की आत्मा आती है और वो उसको बताती है उसकी आत्मा के पाइन ट्री जो कि उसकी कब्र के ऊपर है उसमें से वो एक मोटार एक उखल बनाए और ताकि वो उसमें राइस पेक की पेस्ट्री बना सके चावल की और एक चक्की बनाए जिसमें वो बीन का सॉस बना सके द ओल्ड फार्मर डिड एग्जैक्टली एज टोल्ड बाय डॉग स्पिरिट ओल्ड फार्मर वैसा ही करता है वेन द ओल्ड कपल स्टार्ट पाउंडिंग द बॉइल्ड राइस पाउंडिंग होता है कूटना जब वो ओल्ड कपल उस उबले हुए चावलों को कूटना कूटने लगते हैं टू मेक डो उसका गीला आटा बनाने के लिए इट टर्न्ड इन टू गोल्ड वो सोने में बदल जाता है सिमिलरली व्हेन द ओल्ड लेडीज स्टार्ट ग्राइंडिंग द बीन्स इन द मिल गोल्ड स्टार्टेड ड्रॉपिंग और जैसे ही वो औरत बूढ़ी औरत मिल को चक्की को मैं पीसना शुरू कर देती हैं बीन्स को उसमें से सोना टपकने लगता है इन दिस वे द डॉग स्पिरिट मेड द रिच इस तरह से उस कुत्ते की आत्मा ने उनको अमीर बना दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट जो कुत्ता है वो दूसरी बार अगली बार कैसे उनकी मदद करता है नेक्स्ट टाइम द डॉग स्पिरट अपियर्ड इन द ड्रीम ऑफ हिज मास्टर अगेन दोबारा फिर से कुत्ते की आत्मा अपने मास्टर के सपने में आती है ही टोल्ड हिम दैट द विकेट कपल हैड कट द मिल इन टू पीसेज एंड बॉन्टेड और वो अपने मालिक को बताता है कि उन पड़ोसियों ने विकेट कपल ने क्या किया है मिल के टुकड़े कर दिए और उसको जला दिया है द स्पिरिट आस द फार्मर टू ब्रिंग द एशज फ्रॉम देयर हाउस एंड स्प्रिंकल इट ऑन द विदर ट्रीज टू मेक द्लू अगेन और वो आत्मा बताती है कुत्ते की आत्मा अपने मालिक को कि वो उसके घर पे जाए उनसे राख मांग के लाए और विद ट्रीज के ऊपर बिना पत्तों वाले बिना फूलों वाले ट्रीज के ऊपर उसको छिड़क दे और वो दोबारा से ब्लूम करने लगेंगे दोबारा से लहलहा उठेंगे खिल जाएंगे द ओल्ड मैन टुक द एशियज एंड स्प्रिंकल्ड पिंच ऑफ इट ऑन हिज फेवरेट चेरी ट्री एंड इट ब्लूम अगेन पूरा आदमी ऐसा ही करता है राख लेकर आता है और एक चुटकी चेरी के ट्री पर डाल देता है और वो दोबारा से ब्लूम करने लगता है फूल उस फूलों से लहला उठता है द ओल्ड मैन ही न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ़ द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड और जो ओल्ड मैन था काइंड ओल्ड मैन था उसको ये खबर सुनाई देती है कि जो जमींदार है डेमियो है वो हाई रोड से गुजरने वाला है ही ऑन ए विद चेरी ट्री वो एक बिना फूलों पत्तों वाले चेरी ट्री पर चढ़ जाता है एज द प्रोसेशन वाज टू पास जैसे ही वो काफिला गुजरने वाला होता है ही स्प्रिंकल्ड पिंच ऑफ एशेज ऑन द ट्री एंड द ट्री ब्लूम्ड इन अ मोमेंट वो एक चुटकी राख की डाल देता है उस पेड़ पर चेरी के पेड़ पर और वो लहला उठता है फूलों से द डेम्यू वॉज डिलइटेड बाय द साइड और डेम्यू जमींदार ये दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड प्रजेंटेड हिम मैनी gifts और उसको बहुत सारे उपहार देता है एंड इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल और उसको अपने महल में आमंत्रित भी करता है नेक्स्ट क्वेश्चन डिड द द डेमियो रिवार्ड फार्मर बट पुनिश हिज नेबर्स फॉर द सेम जो से है वो उस ओल्ड फार्मर को क्यों रिवार्ड देता है इनाम देता है और उसी काम को करने के लिए उसके नेबर को उसके पड़ोसी को सजा क्यों देता है वेन द फार्मर स्प्रिंकल द एशेज ऑन द ट्री इट ब्लूम ब्यूटिफुली जब फार्मर स्प्रिंकल करता है छिड़कता है ऐश को राख को ट्री के ऊपर तो बहुत सुंदर तरीके से लहला उठता है बट वेन द ग्रीडी नेबर डिट द सेम नथिंग चेंज लेकिन जब वो लालची पड़ोसी वैसा ही करता है तो कुछ भी नहीं बदलता है एंड द एशेज फेल इन द आईज एंड नोजेज ऑफ द डेम्यू एंड एज वाइफ और जो राख है वो जमींदार और उसकी पत्नी के नाक और आँखों में चली जाती है इट्स पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी इससे उनकी पूरी शान शानो शौकत खराब हो जाती है बर्बाद हो जाती है एंड मेड ही मैंग्री और इससे जमींदार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है सो ही वॉज पुनिश्ड इसीलिए उसको punish किया जाता है उसको सजा मिलती है थैंक यू फॉर लिसनिंग आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे थैंक यू